प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। दीपक शर्मा ने रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दो साल के बीजेपी सरकार के कार्यकाल में लोगों को हकीकत पता चल गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल सराज विधानसभा के ही मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं और बाकी विधानसभा क्षेत्रों की जमकर अनदेखी की जा रही है। दीपक शर्मा ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी किसी भी मंच पर अपनी व्यक्तिगत राय नहीं रख सकते हैं और प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के आदेशानुसार अब पार्टी के खिलाफ कोई बातचीत करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में पहले हुए मुद्दों को सुलझा दिया गया है और अब उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। दो विधानसभा में होने वाले उपचुनावों पर दीपक शर्मा ने कहा कि दोनों सीटों को कांग्रेस बीजेपी से छीन लेगी और चुनावों में बीजेपी के पत्र बम के मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्र बम में मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और बीजेपी का असली चेहरा जनता को दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की डाउडी मोदी कार्यक्रम में मुलाकात ऐतिहासिक है, जिसका लाभ दोनों देशों को मिलेगा। ये कहना है हमीरपुर से सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का। बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी नेताओं के चाय वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय में अमेरिका द्वारा नरेंद्र मोदी को वीजा न दिए देशों के जाने की बात कही तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ख्याति अन्य देशों के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति से ज्यादा होने का दावा किया। यही नहीं, अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम से हुई मुलाकात पर भी चुटकी लेते हुए भ्रष्टाचार करने वालों को तिहाड़ जेल का रास्ता पता होने की बात की। गौरतलब है कि अनुराग ठाकुर बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर आए हुए थे, जहां उन्होंने भारी बारिश के चलते करियाल गांव में लैंडस्लाइड से हुई भारी तबाही का जायजा लिया तो साथ ही बेघर हुए सात परिवारों के लोगों से मुलाकात भी की। वहीं अनुराग ठाकुर ने आपदा के दौरान राज्य में हुए नुकसान के लिए केंद्र द्वारा पूरी सहयोग करने की भी बात कही, जिसके बाद उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और हैंडबॉल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। वहीं अपने तय कार्यक्रम के दौरान अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुटेड़ा मोरसिंगी सड़क का भूमि पूजन किया तो साथ ही कोटीपुरा में आयोजित जन जागरण अभियान में भी भाग लिया। दोस्ताना संबंध जहां देशों के भी बने, भारत और अमेरिका के बने, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले गए। इससे भारत की पेंट दुनिया भर में बढ़ी है, ताकत बढ़ी है और कहीं ना कहीं जिन लोगों को ये लगता था कि भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको स्पष्ट संदेश किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आज भारत के साथ संबंध और अच्छा करने चाहती है। ये मोदी जी ने अपनी ताकत दिखाई है, नहीं तो बाहर के देशों में 2-3 हज़ार लोगों तो बहुत बड़ी सभा गिनी जाती है, 2,000 हो जाए तब भी बहुत। अब तक लगभग अलग अलग हेड्स के अंतर्गत, चाहे वो 2-2 लाख रुपया घर बनाने के लिए हो, 10 लाख रुपये राहत पैकेज के माध्यम से आने की बात हो, 13-13.5 लाख रुपये का, और तो कुल मिलाकर लगभग 38 लाख के लगभग इस क्षेत्र और उन जिन परिवारों का नुकसान हुआ उसके लिए प्रावधान किया गया है।